Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question number 7. How is respiration regulated? Respiration ko kaise regulate karte hain ya respiration kaise regulate hoti hai? So, respiratory rhythm center present hota hai medulla region mein. Medulla kahan present hota hai? Medulla oblongata present hota hai brain mein. वहां पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ब्रेन में, वो अल्टर करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम को. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को अल्टर करता है कैसे? सिग्नल से. सिग्नल्स देता है उन्हें कि वो अपने इंस्पिरेशन के रेट को कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें. कुछ कीमोसेंसिटिव रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे? नियर द रेस्पिरेटरी सेंटर. बहुत ही सेंसिटिव होते हैं किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन्स के लिए. कीमोसेंसिटिव रीजन किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? CO2 एंड हाइड्रोजन आयन के लिए. एंड ये सिग्नल करते हैं ताकि ये चेंज कर सकें रेट ऑफ एक्सपिरेशन को. एक्सहेलेशन के रेट को चेंज करता है कीमोसेंसिटिव सेंटर. रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कुछ कैरोटिड आर्टरी एओर्टा में, जो डिटेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के लेवल्स को ब्लड में. कैरोटिड आर्टरी और एओर्टा में क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन्स के लेवल को इन द ब्लड. With the increase in level of CO2, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, ये नर्व इंपल्स भेजते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं ताकि नेसेसरी चेंजेस हो सके. नेसेसरी चेंजेस क्या होंगे? अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है बॉडी में, देन ऑक्सीजनेशन करवाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम करके ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएंगे. सो ऐसे होता है रेस्पिरेशन की रेगुलेशन. कौन करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो प्रेजेंट होता है मेडुला रीजन इन द ब्रेन.